हेलो फ्रेंड्स, यह है कॉमिक पर्स और आज हम लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन होमकमिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन होमकमिंग नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आप एक स्पेक्टाकुलर मूवी नहीं मिस करना चाहेंगे। इस मूवी में स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई है, और वैसे भी सोनी हमें स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी दो बार दिखा ही चुका है। इस मूवी का स्पाइडरमैन कॉमिक से सबसे ज़्यादा क्लोज है। जैसे कि कॉमिक्स में पीटर पार्कर अपनी स्टूडेंट लाइफ और सुपर हीरो लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना चाहता है, इस मूवी में भी सेम वो कर रहा है। मूवी का ट्रेलर देखकर साफ लग रहा था कि ये मूवी आयरन मैन की ज़्यादा है और स्पाइडरमैन की कम है, बल्कि ये मूवी स्पाइडरमैन की ज़्यादा है, यानी कि टॉम हॉलैंड की, और आयरन मैन सिर्फ कुछ जगह आता है, वो भी स्पाइडरमैन को गाइड करने के लिए। मार्वल मूवी का स्ट्रॉन्ग साइड है कॉमेडी और एक्शन, और इस मूवी में दोनों ही भरपूर थे। चाहे बात करें स्पाइडरमैन के बड़बोलेपन की, What's up, guys? या फिर बात करें वल्चर के एक्शन की, ये हर महीने में अमेजिंग है। मूवी की बस एक दिक्कत थी, सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिला, और इस मूवी का फ्लैश कॉमिक के फ्लैश की तरह नहीं था। बट फिर भी फ्लैश के एक्शंस बता रहे थे कि फ्यूचर में पीटर उससे क्यों हेट करेगा। इस मूवी का मेन विलन है वल्चर, जिसका रोल निभाया है माइकल कीटन ने, और माइकल कीटन ने इस रोल को बखूबी निभाया है। वल्चर अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट, या कह लीजिए वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है एमसीयू का। इस मूवी में मेन हीरोइन है लॉरा हैरियर, जबकि सारी फैन थ्योरी ये कह रही थी कि जेंडेरा इस मूवी की मेन हीरोइन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी को देंगे 4 out of 5 वेब्स। एक वेब इसलिए क्योंकि इस मूवी में कहीं भी स्पाइडर सेंस की बात ही नहीं हुई, जो कि बहुत अलग बात है, क्योंकि स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस उसका बेसिक एक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये है कॉमिक वर्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और हम लोग को सब्सक्राइब करें बिना मत जाएं, क्योंकि अगर आपको ऐसे और ऑसम कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मूवी